तो जैसा मैंने आपसे बोला है कि इस वीडियो में दो अपडेट है। पहली अपडेट को मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको जो टैबलेट मिला है उसको दिखाऊंगा। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मिला है पूर्वांचल के छात्र को, सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, अंत तक बनी रहेंगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही टैबलेट लिस्ट वगैरह पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हों, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहली जानकारी को ले लेते हैं। थोड़ा सा वॉइस में मेरी दिक्कत आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सर्दी जुकाम हो चुका है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ध्यान से सुने, देखते रहें। यहाँ पर कुछ लोग अपने फॉर्म्स में गलती कर दिए हैं, जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं, तो वो लोग परेशान ना हों। जब संशोधन आए तो उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है। जो सेमेस्टर फॉर्म अभी BBA BSc BCom का आया है 2022 वाला, तो उसको आप फिल कर लेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। यही आपको जानकारी देना है कि जो भी गलती हुई है संशोधन में आप उसको फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और हम दूसरे अपडेट को लेते हैं, जो कि आपको टैबलेट वगैरह दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गैलेक्सी टैब A7 Lite दिया गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी काफ़ी प्रशंसा हुई है। हमने उसका जो छात्र कमेंट वगैरह किए थे वो सारी चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम पर दिया था। बहुत ही अच्छे उसके कमेंट्स थे कि इतने कम, मतलब कि इतना अच्छा मिला है, उतना उम्मीद नहीं किया जा सकता किसी गवर्नमेंट से। ऐसे ऐसे टैबलेट्स वहाँ पर मिले हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसको देखो, कुछ लोग ऐसे ही वीडियो बना करके रिव्यू बता दिए हैं, तो ये रिव्यू नहीं होता है। रिव्यू जब आप पास से मोबाइल होता है, तो मैं इसको रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ और ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी मिला। तो जो लोग रिव्यू किए हैं वो तो बहुत आगे हैं, भगवान करे और आगे जाएँ वो। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जैसे अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया था 20 लाख लोगों को लगभग, तो वहाँ पर भी उनका फ़ोटो आ जाता था और मुलायम सिंह का आ जाता था। तो सेम इसी प्रकार से है, CM योगी आएंगे और PM मोदी आएंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पीछे से ये दिखेगा, आगे का आपने देख लिया, और ये बैक साइड का जो फ़ोटो है देख सकते हैं आप। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल भी परेशान न हो, सभी यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज के छात्रों को मिलेगा। बस शर्त इतनी सी है कि DG शक्ति पर कॉलेज द्वारा उनका सत्यापन होना चाहिए, जितने भी उनके स्टूडेंट हैं, अगर सत्यापित नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। और सारी चीज़ें अच्छे से समझा देता हूँ ऑथेंटिक माध्यम से टेलीग्राम पर भी, तो वहाँ से जुड़ना ना भूलें, सबसे तेज अपडेट आपको देंगे, सबसे अच्छी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ये वहाँ से पढ़ भी रहे हैं, यानी कि इनका कैंपस भी वही है, शायद कैंपस के स्टूडेंट हैं। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इनका 3rd सेमेस्टर और 2nd ईयर यही है इनका। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि बोला गया है कि पहले फाइनल ईयर के स्टूडेंट को मिलेगा, उसके बाद सबको मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं कि अब कैसे वितरित होता है। वहाँ पर तो सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट को बुलाया गया था, तो यही कुल जानकारी मिलाकर देना था कि देखो परेशान नहीं होना है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मोबाइल नहीं मिलेगा या उसको कॉलेज वाले नहीं देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ इसी प्रकार से आपके जो स्मार्टफोन रहेंगे या फिर टैब रहेगा, तो उस पर स्टिकर लगाया रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो नए इन्फॉर्मेशन साथ, बने रहिए नया इन्फो के साथ।